बढ़ती हुई महंगाई में लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन भी अपना हिस्सा डालने के लिए सरगर्म। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाते हुए आटा चक्की मालकान ने भी चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। चक्की आटे की कीमत में 5 रुपए फी किलो तक के इजाफे का इम्कान है, जबकि शहर में इस वक्त चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कहना है की गंदम के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी है, इसके बायस अखराजात में इजाफा हुआ है। आइंदा 1 से 2 रोज में चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। मार्केट देखें, ईद के बाद उम्मीद थी कि कम हो जाएगी, लोड बढ़ जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो कम हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, किराए फिर महंगे डबल से हो गए, और उसमें रही सही कसर गंदम के रेट पे। अब गंदम की आमद कुछ कम हुई भी है और रेट उसका बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं, जिसके बायस वो चक्की का महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ये तो हुकूमत को पॉलिसी रखनी चाहिए ना, एक लेवल हो हर जगह का, तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी तो इनकी अपनी मर्जी है, जहाँ दिल किया। अभी मैं शॉपकीपर से लाया तो उन्होंने 80 रुपये का दिया वाइट आटा। आटा चक्की मालकान का कहना है कि अगर हुकूमत गंदम की कीमत में कमी करवाती है तो चक्की आटा सस्ता हो सकता है।